पंचों सरपंचों के प्रोटोकॉल को बढ़ा, प्रोटोकॉल को बढ़ाओ, पंचों सरपंचों के प्रोटोकॉल को बढ़ाओ, प्रोटोकॉल को बढ़ाओ, ठीक है साथ कवर करो, कवर करो, कवर करो, कवर करो, शहीद हुए पंचों सरपंचों के एजाजे को बढ़ाओ, एजाजे को बढ़ाओ, एजाजे को बढ़ाओ, पंचों सरपंचों के एजाजे को बढ़ाओ, एजाजे को बढ़ाओ, एजाजे को बढ़ाओ, एजाजे को बढ़ाओ, शहीद हुए पंचों सरपंचों के बच्चों को बाजाबाद करो, बाजाबाद करो, बाजाबाद करो, प्रोटोकॉल को बढ़ाओ, 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 शहीद हुए पंचों सरपंचों के बच्चों को आज का जो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर पंचायत राज मूवमेंट है। हम पिछले 11 साल से जम्मू कश्मीर पंचायत राज को इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए बैठे हैं। इसी के लिए हमारा एहतजाज है कि परसों सरकार ने BDCs और DDCs का प्रोटोकॉल जो बढ़ा दिया, हम उसके हित में हैं, हम उसके मुखालफत में यहाँ खड़े नहीं हैं, बल्कि ये कहते हैं जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का बेसिक यूनिट है वो है पंचों सरपंच जो काम कर रहे हैं, जो तादाद में भी करीब 30,000 लोग हैं, तो उनका एजाजा पहले बढ़ाइए, उनका ऑनरेरियम बढ़ाइए, उनका प्रोटोकॉल बढ़ाइए, उनका स्ट्रक्चर बढ़ाइए, तो उसके बाद में हमारा दूसरा ये कहना है कि जो हमारे लोग पिछले 11 साल से इस तहरीक के लिए जूझ रहे हैं, जिन्होंने पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को यहाँ मजबूत करने के लिए काम किया, 73rd अमेंडमेंट को यहाँ इंप्लीमेंट करवाने के लिए काम कर दिया जम्मू कश्मीर पंचायत राज मूवमेंट ने, तो उनका जो है जो हमारे लोग शहीद हो चुके हैं पिछले 11 साल में 20-25 के करीब हैं, उनके बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको SRO 43 के अंडर कवर करके उनको बाजाबादकारी उनकी अमल में लाई जाए, यही हमारा कहना है। और इस आज के एहतजाज पर मानती है, पंचों और सरपंचों का प्रोटोकॉल बढ़ाती है, उसके लिए एक आश्वासन देती है, तो ठीक है, अगर नहीं तो जम्मू कश्मीर पंचायत राज मूवमेंट ने एक शेड्यूल जारी किया है जिसके तहत वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके 4 दिन के 5 दिन के बाद पंचों और सरपंचों को जमा करके एहतजाज करेंगे, और सब अगर वहाँ पे कोई परेशानी बन गई तो वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो देखिए, हमने पहले भी कह दिया, हम बार बार कहते आए पिछले 10-11 साल से उन लोगों से जो हम पे अटैक करते हैं, जो हमसे नफरत करते हैं, हमारा कोई जम्मू कश्मीर के हल करने का एजेंडा नहीं है, हमारा कोई 370 और ये 35A का कोई एजेंडा नहीं है, हमारा सिंपल मैंडेट है, हम छोटे कद के लोग हैं, हमें सिर्फ यही मैंडेट दिया गया है कि आप गाँव देहात के जो इग्नोर्ड एरिया हैं, अनएड्रेस्ड एरिया है, उनकी बहबूद तरक्की के लिए तामीर तरक्की, कहीं नाली बनानी है, कहीं आपने PHE का पंप लगाना है, कहीं आपने बीज की बात करनी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाकर, तो यही काम है हमारा, हमारा कोई मंडेट नहीं है, मसले कश्मीर के हवाले से कोई हम बात नहीं करेंगे, हमारा एक कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है, बार बार कहते हैं दूर कर दिए, सरकार ने एक वादा हमसे किया था जो हम डिमांड करते थे 73rd अमेंडमेंट की इंप्लीमेंटेशन करो, वो तो कर दिया उन्होंने सरकार ने, आज ही 11 मार्च को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जम्मू में, मैडम कमिश्नर के साथ बात की कि भाई जो नोटिफाई नहीं हुए थे 2018 के जो लोग आए थे बनकर पंचायत मेंबर और ये सरपंच, उनको नोटिफाई नहीं किया था, कल आपने देखा उनको नोटिफाई करके उनको सरकार की काम के लिए उनको इन्वॉल्व किया गया है, कुछ बातें तो सरकार ने हमारी की, लेकिन हमारा एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, मेन जो हमारा है आज के डेट में वो है कि हमारे जो लोग शहीद हो चुके हैं, जो जिन्होंने जानी दी है, करीबन 20-25 के लोग हैं, उनमें कुछ पंडित लोग भी शहीद हो चुके हैं इस हवाले से, जिन्होंने मजबूत किया इस इंस्टीट्यूशन को, उनके बच्चों को बाजाबाद करें SRO 43 के अंडर, अगर आपके कोई चपरासी मर जाता है आप उसके बच्चे को रिहैबिलिटेट करते हैं, एक पंच सरपंच अपनी बच्चे अपना जान देता है, उसके बच्चों को आप दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हो, तो इस पंचायत इंस्टीट्यूशन पर लोगों का एतबार उठ जाएगा, उनको फौरी तौर SRO 43 के तहत कवर करके उनको रिहैबिलिटेट करें और पंचों और सरपंचों का एजाजा बढ़ाएं, अगर नहीं तो यही तंजीम जम्मू कश्मीर पंचायत राज मूवमेंट इन्हीं लोगों को लेकर हर में एक एहतजाज करेगी जिसमें हजारों के तादाद में हर जिसमें पंचों सरपंच होंगे।